आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच सियासी हमले तेज हो गए हैं। आजमगढ़ के चक्रपानपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा और बीएसपी को यूपी के विकास के लिए राहु और केतु बताया। सीएम योगी ने कहा कि आप उनसे जितनी दूरी बनाए रखेंगे विकास आपके करीब आता जाएगा। हालांकि सीएम ने ये नहीं बताया कि इनमें कौन सी पार्टी राहु है और कौन सी पार्टी केतु है। सपा हो या बसपा, भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के विकास के राहु और केतु हैं ये सब। ये ग्रह हैं, ग्रह क्रूर ग्रह हैं ये विकास के। इनसे आप जितनी दूरी बनाएंगे विकास उतने नजदीक आएगा और विकास जितना नजदीक आएगा उतना रोजगार मिलेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया था। बीएसपी भी इससे अलग नहीं हो सकी, लेकिन ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार थी जिसने आजमगढ़ को विकास से जोड़ा। सीएम ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा न बनने दें। मैं यहाँ आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने और इसे विकास से जोड़ने आया हूँ। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी ने रोजगार को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले जब भी नौकरियों की घोषणा की जाती थी तो पूरा कबीला वसूली के लिए सामने आता था। भगवान सभी को सैफई कबीले से बचाए। सीएम ने बताया कि बीजेपी ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। वहीं बीएसपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि बहन जी के हाथी का पेट इतना बड़ा होता है कि वह कभी नहीं भरता। वहीं गरीबों का राशन और युवाओं का रोजगार भी खाता था। सीएम योगी ने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना की तारीफ की। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरी दुनिया योजना की तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्षी दल युवाओं के जीवन के साथ खेलकर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। हम यूपी पुलिस और अन्य सेवाओं में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। आजमगढ़ से टिकट को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि सपा रामदर्शन यादव जैसे कार्यकर्ता को टिकट देगी, लेकिन एक बार फिर सैफई परिवार को टिकट दिया गया। उन्होंने बीएसपी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के बारे में कहा कि उन्हें भी सपा ने धोखा दिया। धोखा देना समाजवादी पार्टी के स्वभाव में है। इस दौरान योगी ने कहा कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वो वंशवाद पर रुक जाते हैं। जवाब में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित बीजेपी के सभी नेता झूठ के साथ अपनी बात शुरू और खत्म करते हैं। सभी जानते हैं कि सपा ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया और आजमगढ़ को लखनऊ और नई दिल्ली से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखी थी। उन्होंने दावा किया कि एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण सपा सरकार में किया गया था, लेकिन बीजेपी ने काम रोक दिया और नाम बदल दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने हमेशा आजमगढ़ और पूरे पूर्वांचल क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। विकास के नाम पर हम कहना चाहते हैं, विकास में कोई मुकाबला नहीं कर सकते आपका। इस विकास को जो यहां तक पहुंचा है, जो आजमगढ़ का विकास सड़कों से हुआ, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुई, चाहे वो किसी तरफ चले जाओ, आपकी पुरानी सरकार में हर तरफ की चौड़ी सड़कें बनना शुरू हो गई थी, वही काम आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में हमें इसे और आगे बढ़ाना है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा आजमगढ़ को नजरअंदाज किया और इसे बदनाम किया। बीजेपी अभी भी लोगों को धोखा दे रही है। अखिलेश ने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा बीजेपी की सांप्रदायिकता और विकास विरोधी नजरिए को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी और गलत नीतियों की वजह से पूरा राज्य और देश पीड़ित है। किसान, युवा, व्यापारी सभी बीजेपी सरकार से नाराज हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने गए हैं। अब आजमगढ़ सीट पर 23 जून को उपचुनाव होगा।
यहां सपा ने धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बीएसपी ने शाह आलम को अपना प्रत्याशी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट।